क्या आपने गोल्ड यानी सोने का होटल देखा है? और यूरोप के लोग टमाटर खाने से क्यों डरते थे? और ओलंपिक के फ्लैग में इन पांच कलर्स का क्या मतलब है? ये सब दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सुपर फैक्ट्स। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पहला गोल्ड का बना हुआ होटल है जो वियतनाम की रियासत हनोई में वाकया है। इसका नाम टोलसे हनोई गोल्डन लेक है। 24 कैरेट गोल्ड से बने इस होटल का खर्चा 14,85,00,000 आया। इस 5-स्टार होटल के गेट से लेकर कमरों के दरवाजे, कप, टेबल, खिड़कियां, वॉशरूम, खाने के बर्तन तक सब कुछ सोने से बने हुए हैं। 400 कमरों के इस होटल की बाहरी दीवारों पर करीब 54,000 स्क्वायर गोल्ड प्लेट टाइल्स लगाई गई हैं। इस होटल में जहां भी नजर जाती है गोल्ड ही गोल्ड नजर आता है। होटल की लॉबी का फर्नीचर और डेकोरेशन के लिए रखे गए सामान पर भी खूबसूरत सोने की कारीगरी की गई है ताकि पूरे होटल में ज्यादा से ज्यादा सोना नजर आए। 2009 में इस होटल को बनाना शुरू किया गया और इसको बनाने में 11 साल का अरसा लगा। इस होटल का रूम रेंट 25,000 से शुरू होता है और प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक रात रुकने का खर्चा 4,85,000 रुपए है। उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज भागने वाला इंसान, जिन्होंने लास्ट 3 ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल जीते और साथ ही साथ इन्होंने $119 मिलियन यानी के 1,283 करोड़ रुपए कमाए। और इन गोल्ड मेडल और पैसों को कमाने के लिए वो ओलंपिक्स में सिर्फ 115 सेकंड भागे हैं। अगर ठीक से हिसाब लगाया जाए तो $1 मिलियन यानी के 13 करोड़ से भी ज्यादा हर सेकंड भाग कर कमाए हैं। पर इन्होंने 115 सेकंड भागने के लिए 20 साल से भी ज्यादा खुद को ट्रेन किया है। कामयाबी जरूर मिलती है पर थोड़ा वक्त लगता है, तब तक मेहनत करते रहो। आपने बड़े बड़े प्लेयर्स मेसी और रोनाल्डो को फुटबॉल खेलते और गोल करते तो देखा ही होगा, लेकिन इस बिल्ली को देखें कैसे इसने एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह गोल करके सबको हैरान कर दिया। इस कैट के लिए एक लाइक तो बनता है। इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जिन दो लड़कों को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे कारीगर लड़के हैं। पढ़े लिखे इंजीनियर जो काम मशीनों से नहीं कर पाते उस काम को ये बंदे अपने हाथों से कर देते हैं। मिट्टी के अंदर अपने हाथों से इतनी अच्छी डिजाइन बनाते हैं कि हमारी आंखें देखती रह जाती हैं। अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल हो या डिजाइन का बड़ा से बड़ा काम, ये दोनों अपने हाथों से ही कर देते हैं और इनका काम बहुत ही जबरदस्त होता है, जिस वजह से इनके यूट्यूब और फेसबुक पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। जब पहली बार टमाटर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो यूरोपीय लोग टमाटर खाने से डरते थे। दरअसल रेड कलर डेंजर को जाहिर करता है तो इन्हें लगता था कि ये पॉइजनस है और इनका मानना था ये दूसरे मुल्कों की प्लानिंग है हमें खत्म करने की। लेकिन इस बात को गलत साबित करने के लिए रॉबर्ट गिबन, जो एक किसान थे और टमाटोज उगाया करते थे, इन्होंने लोगों के भरे मजमे में 1820 को सबके सामने टोमेटो खाकर दिखाया। ये काफी कमाल का इमेज है। इस इमेज को देखो, इसमें जो पतला पेड़ है उसे नीचे से काट दिया गया था लेकिन टहनी बड़ी होने की वजह से वो बड़े पेड़ से अटका रहा और कुछ अरसे बाद ये पेड़ आपस में जुड़ गए और इस पेड़ को भरने के लिए सारा प्रोटीन बड़े पेड़ से ही मिलता है। ये देखा गया है कि लोग जितना अपनी शादी पर खर्च करते हैं उनकी शादी टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात हमेशा तो सच नहीं है लेकिन 78% टाइम ऐसा ही होता है। जो भी अपनी शादी पर ज्यादा खर्च करता है उसकी शादी जल्दी टूट जाती है। 1982 में एक हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम है पोल्टरगेस्ट। और ये जो मूवी है इसमें क्या है कि इसकी जो कास्ट थी वो ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से मरने लगी और इसके चलते लोगों का ये मानना है कि ये फिल्म क्रश हो गया यानी कि आसेब ज़्यादा। इसमें एक 12 साल की लड़की ने भी काम किया था, यहाँ तक कि उसकी भी मौत हो गई। मतलब इस मूवी की कास्ट की अचानक से डेथ होना शुरू हो गई जो कि एक बहुत ही अजीब बात है।
आपने ओलंपिक का फ्लैग तो देखा ही होगा, पर ओलंपिक के फ्लैग में बस इतने ही कलर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है? दरअसल इसके पीछे एक रीजन है। आपको ओलंपिक फ्लैग में जो 5 कलर दिखते हैं वो इस दुनिया के सारे फ्लैग में मौजूद है, यानी इन 5 में कोई एक ना एक कलर दुनिया के हर एक फ्लैग में मौजूद होता है। वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए नेवी को एक 12 साल के बच्चे ने काफी ज्यादा वार्ड्स जिताए, लेकिन फिर भी उसे नेवी से निकाल दिया गया। दरअसल वो बच्चा केल्विन ग्राहम अपने सौतेले बाप से परेशान होकर नेवी में जाने का प्लान कर चुका था, लेकिन मेडिकल चेकअप के दौरान चेकर ने पहचान लिया कि वो सिर्फ 12 साल का है। लेकिन उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं 17 साल का हूँ और अब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वक्त भी बहुत कम था, सो बिना किसी प्रूफ के इन्हें इसकी बात माननी पड़ी और इसे भर्ती कर लिया गया। वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका जबरदस्त काम देखकर उसे हीरो की तरह देखा जाने लगा, लेकिन उसके बाद उसकी माँ को ये बात पता चली तो इन्होंने सबको ये बता दिया कि मेरा बेटा तो सिर्फ 12 साल का है। और उसके बाद जिसे नेवी वालों को अवार्ड देना चाहिए था, इन्होंने केल्विन को ना सिर्फ नेवी से निकाल दिया बल्कि जेल में भी डाल दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया।